ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विष्णुदेव सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले योजना की पहली किश्त 1,000 रुपए महिला हितग्राहियों के खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से 11 मार्च को जारी हो चुकी है। महतारी वंदन योजना के तहत सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं कि 10 मार्च को जारी आंकड़ों में 70 लाख से ज्यादा पात्र महिलाओं को राशि जारी करने की बात कही गई है। जो दूसरे दिन आंकड़े जारी हुए हैं उसमें से पात्र हितग्राहियों की संख्या घट गई है। सरकार के खुद के आंकड़ों से योजना की पोल खुल गई है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के मकसद से विष्णुदेव सरकार ने मोदी गारंटी के तहत महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह देने के लिए महतारी वंदन योजना लॉन्च की है। 10 मार्च को पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत पात्र हितग्राहियों की संख्या और जारी राशि को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 10 मार्च को सरकारी आंकड़े जारी किए गए, जिनमें 70,12,800 महिलाओं के खाते में 655 करोड़ की राशि जारी करने की बात कही गई। सवाल नंबर एक, अगर 70,12,800 पात्र हितग्राही महिलाओं को 1,000 रुपए की राशि जारी की गई है तो ये राशि 701 करोड़ 28 लाख होती है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में ये राशि 655 करोड़ बताई गई है। मतलब साफ है कि 1,000 रुपए के हिसाब से 65,50,000 लोगों को ये राशि जारी हुई है। सरकार ने 11 तारीख को महतारी वंदन योजना का आंकड़ा जारी किया, जिसमें 68,53,000 महिलाओं को 636 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से देने की बात कही गई। सवाल नंबर दो, 68,53,000 को 1,000 रुपए की राशि के हिसाब से 685 करोड़ 30 लाख बाकी राशि होती है, जबकि सरकार ने 636 करोड़ 44 लाख की राशि जारी की है और जारी राशि के हिसाब से 63,64,400 हितग्राहियों की संख्या होती है। सवाल नंबर तीन, पहले दिन के 70,12,000 हितग्राही के आंकड़े और दूसरे दिन के 636 करोड़ 44 लाख की राशि का आंकड़ा जारी किया गया। इन आंकड़ों में करीब 7 लाख हितग्राहियों की संख्या सरकारी आंकड़ों में ही कम हो जाती है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सरकार महतारी वंदन योजना में आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। प्रदेश में केवल 30% महिलाओं को ही महतारी वंदन का लाभ मिल पाया है। कांग्रेस पार्टी साफ साफ तौर पर यह इल्जाम लगाती है कि आप देखेंगे कि सिर्फ 30% महिलाओं को ही महतारी वंदन योजना का लाभ मिला है, मतलब 70% महिलाओं को महतारी वंदन योजना के लाभ से वंचित रखने का काम किया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इनको महतारी वंदन योजना का पारदर्शिता लाना चाहिए और इन पर जांच करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है 30 लाख महिलाओं को लाभ मिला है, जो अंतर आ रहा है हितग्राही के केवाईसी नहीं होने की वजह से हो सकता है। कई लोगों के बैंक खाते जो आधार कार्ड से लिंक नहीं है उनके पैसे नहीं गए होंगे, इसलिए राशि कम दिख रहा है। बाकी 70,11,000 लोगों का हमने स्वीकृति दिया है, पैसे जरूर कम गए होंगे जिनके आधार कार्ड लिंक नहीं होंगे, ऐसे लोगों के लिंक होने के बाद उनके खाते में चले जाएंगे। महतारी वंदन योजना से छत्तीसगढ़ की महिलाएं सशक्त तो जरूर होंगी, लेकिन सरकार के जो आंकड़े आए हैं और उसमें जो अंतर है उससे योजना में संदेह पैदा होता है। ऐसे में सरकार को आंकड़ों को दुरुस्त करना होगा, तभी योजना जमीन पे सफल होगी। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।